वेलकम व्यूअर्स, बात करेंगे एक बढ़िया सा स्मॉल हाउस प्लान के बारे में। आज डिस्कस करेंगे और जो आज का हाउस प्लान है 490 स्क्वायर फीट का, और जिसका फेस मिलेगा हमें 14 फीट। ये देखिए जो फेस है, मतलब बिल्डिंग का जो चौड़ाई है ये 14 फीट है, और जो हमारा बिल्डिंग का लेंथ है ये है 35 फीट, मतलब 35 फीट का। हम शुरुआत में जो मिलेगा हमारा जो दो स्टेप देखे हमें बिल्डिंग में चढ़ना होगा, ये दो स्टेप है और ये दो स्टेप दिया हूँ। और स्टेप के बाद हमें मिलेगा साइट आउट एरिया, जहाँ पे हमने बाइक पार्किंग करेंगे, एक बैल्कनी का काम करेंगे, और उसका राइट साइड में हमारा स्टेयरकेस है। और जैसे साइड आउट के बाद ही हम चलेंगे हमारा जो पैसेज देके हमें पहुंचेंगे हमारा हॉल रूम में, और पैसेज के राइट साइड में हमारा एक बेडरूम है, और ड्राइंग रूम के मतलब जो डाइनिंग और ड्राइंग रूम है उसका पीछे और एक बेडरूम है। देखिए दो बेडरूम हो गया और एक ही टॉयलेट एंड बाथ दिया हूँ। ये भी देखिए ये टॉयलेट एंड बाथ एक ही है, और किचन जो है ये किचन है, और देखिए टॉयलेट के पीछे मैंने ये एक डक्ट प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है तीनों साइड से ब्लॉक हुआ है, सो डक्ट प्रोवाइड करना ही होगा वेंटिलेशन के लिए। दो डक्ट मैंने दिया हूँ, ये किचन के सामने ये वाला और एक टॉयलेट के सामने। सो व्यूअर्स, ये हमने पोजीशनिंग हम देख लिया, चलते हैं इसका जो वॉल होगा ये वॉल बना लेते हैं कलर के साथ। ये देखिए कलरिंग कर दिया, आउटर वॉल जो है 5 इंच का है, और ये पार्टीशन वॉल बेडरूम का और टॉयलेट का ये भी 5 इंच का है। और टॉयलेट का जो देखिए यहाँ पे वेंटिलेटर देना होगा, यहाँ पे हमने एक प्रोवाइड कर दिया हूँ ये डक्ट में। सो ये हमारा एक वेंटिलेटर भी बन गया है, ये टॉयलेट भी बन गया है टॉयलेट का वॉल। सो अब चलते हैं, ये किचन का वॉल बन गया है, और यहाँ पे देखिए ये वेंटिलेटर यहाँ पे भी एक प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे विंडो बोलेंगे, मतलब किचन डाइनिंग और एक साइड से हमारा बेडरूम का, ये बेडरूम का वॉल बन गया। और अब चलते हैं इसका, हमने थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों साइड में बैठने के लिए बेंच प्रोवाइड किया हूँ। ये देखिए मेन गेट हो गया हमारा 3 फीट 6 इंचेस, और जो हमारा आज का देखिए ये बाइक पार्किंग एरिया है, ये हमें यहाँ पे उसके बाद ही जो हमारा स्टेयर है जो कि 2.5 फीट का लेंथ है, और ट्रेड जो होगा ये 9 इंच का, और राइजर जो होगा वो 6 इंच का। इसी हिसाब से हमने हमारा स्टेयर बनाया हूँ, ओके। और लैंडिंग जो होगा ये भी 2.5 फीट का होगा। और देखिए ये जो हमारा आज का बाइक पार्किंग करने का एरिया है जो कि 3 फीट 9 इंच बाई 5 फीट का, और जो पैसेज है सेम साइज का है। और देखिए अब चलते हैं बेडरूम में, बेडरूम नंबर 1 है जिसका डोर 3 फीट 4 इंच। और अब चलते हैं जो हमने बेडरूम में दो विंडो प्रोवाइड किया हूँ, एक डक्ट में और दूसरा है हमारा स्टेयर के सामने से 3 फीट 3 इंच का। और बेडरूम का साइज के बारे में बात करते हैं, ये 10 फीट का 9 फीट 11 इंच, सो ये 10 फीट का है, और चौड़ाई जो है ये 9 फीट का है, ओके। फिर सब चलते हैं हमारा ड्राइंग काम डाइनिंग रूम, जो कि हमारा एक ही हॉल मिल रहा है। सो ये हमारा उसका जो चौड़ाई होगा ये 7 फीट 6 इंच का, और जो लेंथ मिलेगा हमें यहाँ से ये वाला पोर्शन ये 8 फीट का है। और इसका जो वेंटिलेटर हमें देना होगा, देखिए ये हमने जो किचन के पास ही एक डक्ट छोड़ा हूँ वहाँ से हमने वेंटिलेटर के काम करेंगे। ये देखिए किचन में जो वेंटिलेशन हमने छोड़ना होगा, विंडो छोड़ना होगा ये डक्ट में 2 फीट 7 इंच, और ये ड्राइंग रूम के सामने ड्राइंग काम जो डाइनिंग है ये 2 फीट का विंडो। अब चलते किचन का साइज 5 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 7 इंच, मतलब जगह के हिसाब से हमने हमारा किचन भी बनाया हूँ। अब चलते हैं हमारा जो आज का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, सो उसका जो डोर साइज होगा वो यहाँ से देखिए 2.5 फीट है, और इसमें हमने एक ही वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हूँ 2x2 का, जो कि डक्ट में दिया गया है,
और जो टॉयलेट का साइज होगा ये 7 फीट 7 इंच बाई 3 फीट 9 इंच का। ओके व्यूअर्स, अब चलते हैं हमारा बेडरूम नंबर जो 2 है, ये उसका डोर साइज ये 3 फीट 4 इंच, और यहाँ पे हमने ये विंडो प्रोवाइड किया हूँ डाक्ट में, ये 2 फीट का लंबा सा हम यहाँ पे रख देंगे बढ़िया सा, जिसका से बेडरूम का साइज 9 फीट बाई 10 फीट का है। ओके व्यूअर्स, ये हमने हमारा जो डायमेंशन था ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। आप चलते हैं इसका हमने कहाँ कहाँ कॉलम प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो कॉलम का साइज होगा ये 10 इंच बाई 10 इंच, देखिए यहाँ बेड जो कॉलम है 1 और ये कॉलम नंबर 2 और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 और डक्ट के साइड में कॉलम नंबर 5 और यहाँ से कॉलम नंबर 6। हमने सेम ग्रिड में रखा हूँ 6 कॉलम और ये है हमारा 7 कॉलम और यहाँ हमने एक देंगे 8 कॉलम और स्टेयर के लिए और 2 कॉलम 9 कॉलम नंबर 9 एंड कॉलम नंबर 10। सो व्यूअर्स, ये आप लोगों के साथ पूरा मैंने डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके थोड़ा सा हमें बताइए, फीडबैक दीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप चलते हैं, देखिए हमारा जो 490 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट आएगा, ये देखिए 490 स्क्वायर फीट मतलब 14 बाई 35 490 मल्टीप्लाई बाई 1500, सो ये है 7,35,000 कॉस्ट आएगा इस घर बनाने के लिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, तो एक लाइक दीजिए और दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।